डेल, एचपी एंड आसुस में से आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा और कौन सा लैपटॉप आपके लिए बढ़िया रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। सो हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। चलिए शुरू करते आज का वीडियो। एचपी लैपटॉप का प्राइस डेल एंड आसुस से ज्यादा होता है, जबकि डेल लैपटॉप्स आसुस लैपटॉप से महंगे होते हैं। गाइस, आसुस लो कॉस्ट में बेटर स्पेक्स ऑफर करते हैं, जबकि एचपी एंड डेल लैपटॉप्स कंपैरेटिवली महंगे होते हैं। डिजाइन की बात करें देन आसुस ऑफर्स बेटर लुक्स, डिजाइन एंड कलर्स एंड स्टाइलिश लैपटॉप, और इसीलिए कुछ लोग आसुस लैपटॉप्स को लेना पसंद करते हैं। NHP में भी आपको डेल से बेहतर डिजाइन एंड कलर्स मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें डेल की तो डेल में आपको लगभग एक सा सेम डिजाइन एंड कलर्स देखने को मिलता है। ब्लैक एंड सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन लगभग आपको डेल में देखने को मिलता है गाइस। तो अगर कलर्स एंड लुक्स आपके लिए इतना मैटर नहीं करता तो फिर डेल आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। डेल लैपटॉप्स में आपको एचपी एंड आसुस से ज्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, तो बेहतर बिल्ड क्वालिटी के लिए आप डेल लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं गाइस। परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो डेल एंड आसुस ऑफर्स यू पावरफुल लैपटॉप्स, और डेल और एचपी में भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस और सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। यू मस्ट बाय अ लेटेस्ट जनरेशन एंड हायर प्रोसेसर लैपटॉप फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ ऑपरेशन। जैसे कि i5 प्रोसेसर एक हायर प्रोसेसर है i3 प्रोसेसर के कंपैरिजन में, तो i5 प्रोसेसर में आपको ज्यादा एफिशिएंट और स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलता है। Asus लैपटॉप्स में आपको कम प्राइस में ज्यादा स्पेक्स एंड फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि वही स्पेक्स एंड फीचर आपको डेल एंड एचपी लैपटॉप में ज्यादा महंगे मिलते हैं। इसके पीछे रीजन यह भी है गाइस कि एचपी एंड डेल काफी ओल्ड एंड पॉपुलर लैपटॉप ब्रांड्स है, पब्लिक के बीच में काफी ज्यादा ये रिलायबल लैपटॉप ब्रांड्स है, और इसकी वजह से भी इनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा होती, काफी हायर सेल होती है एचपी एंड डेल लैपटॉप्स की। तो अगर आपके पास बजट का ज्यादा इशू नहीं है तो फिर आप एचपी या डेल लैपटॉप्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कम कॉस्ट में एक अच्छा लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो फिर आसुस भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और कम बजट में आप आसुस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। आसुस भी आपको काफी बेहतर लैपटॉप्स प्रोवाइड कराते हैं गाइस। एचपी इज ए रिलायबल एंड ओल्ड लैपटॉप ब्रांड, और एचपी के सेल्स काफी ज्यादा हायर है अदर लैपटॉप से, और यह वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर लैपटॉप से एचपी। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप फिर एचपी या डेल लैपटॉप को ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के यूज के लिए अगर आप लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं तो फिर आप आसुस लैपटॉप्स को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें मॉडल्स की तो डेल में आपको इसकी पॉपुलर डेल इंस्पिरॉन, डेल एलनवियर एंड आसुस में आपको आसुस वीवो बुक जो कि काफी पॉपुलर सीरीज है, एंड आसुस रोग लैपटॉप एंड TUF सीरीज मिल जाती है। एचपी में आपको एचपी एनवी, एचपी पवेलियन एंड एचपी स्पेक्टर मॉडल मिल जाते हैं। दोस्तों, बात करें सीपीयू की कि कौन सा सीपीयू आपको लेना चाहिए, तो जनरल और होम यूज के लिए आपको i3 का प्रोसेसर लेना चाहिए, जबकि एडिटिंग, डिजाइनिंग एंड हैवी वर्क के लिए आपको i5 प्रोसेसर को चूज करना चाहिए। दोस्तों, बात करें ओवरहीटिंग की तो डेल एंड आसुस में ड्यूअल कूलर्स लगे होते हैं, तो ये काफी कम हीट होते हैं, जबकि एचपी लैपटॉप्स जब पुराने हो जाते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा हीट करते हैं, और सिंगल कूलर की वजह से ये थोड़ा ज्यादा हीट कर सकते हैं गाइस। दोस्तों, अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की, तो डेल में आपको डेल एलनवियर गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाते हैं, साथ ही आसुस में आपको आसुस रोग सीरीज और आसुस TUF सीरीज के गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाते हैं, जो कि काफी तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराते हैं, और एचपी में आपको एचपी ओमेन लैपटॉप्स मिल जाते हैं, जो कि आपको एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप को परचेज करना है
तो फिर आप आसुस रोग या TUF सीरीज बाय कर सकते हैं, और साथ ही आप डेल के एलिनवियर लैपटॉप को भी चूज कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों बात करें गेमिंग लैपटॉप्स के कॉन्स की, तो इनका वेट काफी ज्यादा होता है और जिसकी वजह से इनको कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है गाइस। लेकिन अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं तो आप एक डेस्कटॉप को भी कंसीडर कर सकते हैं, और वह ज्यादा पावरफुल एंड तगड़ी गेमिंग आपको प्रोवाइड करेगा। काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो सकता है एक डेस्कटॉप के साथ में। बात करें कस्टमर सर्विस की, तो आसुस में बेटर एंड रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि डेल में भी आपको एचपी से बेहतर कस्टमर सर्विस मिल जाती है। लेकिन एचपी में आपको थोड़ा सा कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम हो सकता है, उतनी रिस्पॉन्सिव सर्विस आपको नहीं मिल पाती। जब भी आप कस्टमर सर्विस में बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है कस्टमर सर्विस के लिए, लेकिन फिर भी कहेंगे कि नॉट बैड, इतनी बुरी सर्विस नहीं है एचपी की भी। हालांकि इन सभी लैपटॉप ब्रांड्स को कस्टमर सर्विस में फिर भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और क्योंकि गाइस जब भी कोई लैपटॉप खराब होता है उसके बाद का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा प्रॉब्लम से भरा हो सकता है गाइस, तो कस्टमर सर्विस को काफी एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए और काफी उम्दा सर्विस होनी चाहिए कस्टमर सर्विस। इसके लिए आपको एक ऐसे लैपटॉप को चूज करना चाहिए, बाय करना चाहिए जिसका कि सर्विस सेंटर आपके नियरेस्ट में हो, तो इससे आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। जब भी आपका लैपटॉप खराब होता है तो आप फिर वहां पर जाके उसको इजीली से सही करा सकते हैं। अगर सर्विस सेंटर दूर होता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो नियरेस्ट सर्विस सेंटर वाले लैपटॉप को ही आपको बाय करना चाहिए। तो दोस्तों बात करें कंक्लूजन की, तो इन सभी लैपटॉप ब्रांड्स में तगड़ा कंपटीशन है, तो सारे ही लैपटॉप ब्रांड्स काफी बेहतर लैपटॉप बनाने की कोशिश करते हैं एंड बनाते हैं गाइस। तो आप अपनी नीड एंड बजट के अनुसार इनमें से किसी भी लैपटॉप ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है गाइस। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप किसी भी लैपटॉप ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ब्रांड वैल्यू वाला लैपटॉप चाहते हैं, रिलायबल लैपटॉप चाहते हैं, तो फिर आप एचपी या डेल में से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आसुस TUF या आसुस की रोग सीरीज को बाय कर सकते हैं। एंड गाइस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा प्रोसेसर हायर प्रोसेसर लेते हैं, हायर रैम लेते हैं, तो आपको काफी स्मूथ और ड्यूरेबल परफॉर्मेंस मिलता है और आपके लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप गाइस कि आपके लिए ये सारा एक्सप्लेनेशन ईजी रहा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस, और अगर आपके लिए वीडियो जरा सा भी यूजफुल हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।